अमेरिकन पॉप सिंगर जस्टिन बीबर फिर सुर्खियों में हैं। बीबर ने हाल ही में दो हाइब्रिड बिल्लियां खरीदी हैं। इस पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पीईटीए ने बीबर को सलाह दी कि वे ऐसा करने की बजाय लोकल शेड से एक बिल्ली लेकर उसका जीवन बचा सकते थे। इस पर बीबर ने पेटा को जवाब दिया कि आप पहले समुद्र के प्लास्टिक से जीवों की जान बचाओ और मेरी खूबसूरत बिल्लियों को अकेला छोड़ दो। पेटा ने कहा, गोद ले सकते थे जस्टिन। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लिसा लेंज ने कहा, हाइब्रिड बिल्लियों की मांग बढ़ाने की जगह जस्टिन लोकल शेल्टर से एक बिल्ली को गोद लेकर उसका जीवन बचा सकते थे। साथ ही वे अमेरिका में जानवरों की अधिकता से उपजे संकट को कम करने में मदद कर सकते थे। ऐसा करके वे दुनिया भर के अपने फैंस को प्रेरित कर सकते थे। उनका यह रुख साबित करता है कि जब जानवरों की मदद करने की बात आती है तो उन्हें परवाह नहीं है। बीबर ने दिया ये जवाब। हालांकि जस्टिन बीबर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पेटा के इस कदम के बारे में लिखा है, पेटा जाओ, शिकार और जानवरों पर हो रहे अत्याचारों जैसी असली समस्याओं पर फोकस करो। आप इन सब में मुझे इसलिए घसीट रहे हैं क्योंकि मुझे विशेष प्रकार की बिल्ली चाहिए थी। आपने तब इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जब मैंने अपने डॉग ऑस्कर को पाया था? तब रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ था? हर पालतू जानवर का रेस्क्यू होना जरूरी है क्या? मैं गोद लेकर जानवरों को बचाने में यकीन रखता हूँ, लेकिन प्राथमिकताओं के बारे में भी सोचता हूँ। इसलिए पेटा जाओ और पहले समंदर में जितना प्लास्टिक है उससे जानवरों को बचाओ। मेरी खूबसूरत बिल्लियों को अकेला छोड़ दो। कुओ तातयोन मारक सपाचय।